नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऋषि प्रॉपर्टीज पे। गाइस आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 30 गज का जड़ से बना मकान और बहुत ही अच्छी रोड मिलने वाली है आपको इस प्रॉपर्टी में। 25 फीट का रोड मिलने वाला है, गेटेड सोसाइटी मिलने वाली है गाइस। बहुत प्राइम लोकेशन में आपके लिए ले गया, मोहन गार्डन के ब्लॉक के अंदर लोकेशन रहने वाली है गाइस। मेट्रो डिस्टेंस की बात करें तो आपको यहाँ पर 1.5 किलोमीटर दूरी पे मिलने वाला है। ई रिक्शा फैसिलिटीज आपको यहाँ पर सुबह 6 बजे से रात के 1 बजे तक अवेलेबल रहने वाले गाइस। आपका मेन रोड एकदम 20 कदमों की दूरी पे मेन रोड है। आप वहां से ई रिक्शा पकड़ के मात्र आप 7 मिनट के अंदर मेट्रो स्टेशन जा सकते हैं। अदरवाइज आप बाय वॉक जाना चाहते हैं तो 10 से 12 मिनट में इजिली आप बाय वॉक जा सकते हैं। और गाइस ये लोनेबल प्रॉपर्टी, रजिस्ट्री वाली प्रॉपर्टी, 85% तक का आप लोन करा सकते हैं इस प्रॉपर्टी पे। बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, अभी न्यू कंस्ट्रक्शन है और बहुत ही अच्छी प्राइम लोकेशन में आपके लिए लेके आया हूं गाइस। तो गाइस इस प्रॉपर्टी में आपको सुविधाओं की बात करूं तो आपको मिलने वाला दिल्ली जल बोर्ड का मीठा पानी, IGI गैस पाइपलाइन कनेक्शन मिल जाएगा आपको, सीवर लाइन आ चुकी है गाइस, और बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज आपको नियर बाय मार्केट्स, स्कूल और आपको यहाँ पे हॉस्पिटल्स मिलने वाले गाइस और जिम्स भी मिलने वाले हैं गाइस, और सारी सुविधाओं के साथ आपको ये प्रॉपर्टी मिलने वाली गाइस। तो बिना किसी देरी के आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम आ चुके अपने 25 फीट के वर्ल्ड रोड की तरफ, गेटेड सोसाइटी मिलने वाली है। एक बार देख सकते हो सामने आपका मेन रोड है, वहां से आप ई रिक्शा पकड़ के इजिली मेट्रो स्टेशन जा सकते हैं गाइस। साफ सुथरी गली है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे साइज मिल रहा है आपको, इजिली यहाँ पे आपका ट्रैक्टर ट्रक कार इजिली आपकी आ जाएगी प्रॉपर्टी के बाहर, आप खड़ी कर सकते हैं, बहुत अच्छा स्पेस मिल रहा है गाइस। आइए दिखाता हूँ अपना घर। गाइस हमारी 2 साइट थी, फर्स्ट वाली सोल्ड आउट हो चुकी है और 7 वाली अवेलेबल है। आप देख सकते हैं काफी अच्छा यहाँ पे फ्रंट एलिवेशन मिल जाता है देखने को, एक बार दिखा दीजिए। प्रॉपर टाइल वर्क के साथ आपको मिल रहा है, जमीन से काफी उठा हुआ है, आने वाले 25-30 साल तक कोई इशू नहीं आएगा। रोड जितनी मर्जी बार बन जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है गाइस। फ्रंट एलिवेशन में प्रॉपर टाइल दे रखे हैं एंड टू एंड तक, जिससे कि आपकी बाहर कभी सीलन नहीं आएगी, और मार्बल लगा हुआ है स्टेयर पे आप देख सकते हैं एंट्रेंस पे हमारे, और बहुत ही सॉलिड गेट हम आयरन का आपको दे रहे हैं लगाकर देख सकते हो। पेंट का काम बाकी हम वो भी करा देंगे आपको। यहाँ पे एक स्पेस मिल रहा है, आप चाहे अपना देख सकते हैं, साइड में स्पेस है, आप इधर अपना प्लांट्स लगा सकते हैं। आइए चलते हैं वहाँ अंदर एंट्रेंस में हमारा, आप देख सकते हैं ये हमारा एंट्रेंस रहने वाला है, काफी अच्छा एंट्रेंस मिल रहा है आपको इस प्रॉपर्टी में गाइस। स्विच बोर्ड्स आपके यहाँ पे सारे मिलने वाले हैं, आप देख सकते हैं सारे स्विच बोर्ड्स यहाँ पे हैं, एक बार दिखा दीजिए। ये हमारे स्विच बोर्ड्स रहने वाले हैं, ऊपर MCU बॉक्स आपका यहाँ पे रहने वाला है, और साथ ही में आपको यहाँ पे एक अच्छा पैसिव एरिया मिल रहा है, इसको आप अपना वॉशिंग एरिया बना सकते हैं, और साइड में आपको यहाँ पे मोटर कनेक्शन, एक बार आप वो भी दिखा दीजिए। यहाँ पे आपका अप टू 3 कनेक्शन आप इजीली लगवा सकते हैं, काफी अच्छा स्पेस दे रखा है, मोटर लग जाएंगे आपकी, और साथ ही में आपका एंट्रेंस साथ में वॉशरूम मिल रहा है, एक काफी अच्छे साइज का ये वॉशरूम है, एक 21 गज में काफी अच्छा साइज निकाला है आपके लिए। एंड टू एंड तक टाइल्स दे रखी है, गीजर पॉइंट आपका यहाँ पे है देख सकते हैं, टैब्स यहाँ पे लगने हैं, अभी सारे ब्रांडेड लगा के देंगे आपको, और गाइस गेट भी आपकी मनपसंद का लगा देंगे, फाइबर का बोलोगे फाइबर का लगवा देंगे, जो PVC गेट होता है, या आप बोलेंगे वुडन का तो वुडन का भी लगा के दे देंगे गाइस। इंग्लिश सीट आपको इधर लगा के देने वाले हैं, शावर आपको इस प्रॉपर्टी में लगा के मिलने वाला है गाइस। नीचे देख सकते हैं मार्बल लगा हुआ है, जिससे कि काफी अच्छा रहता है हमारे वॉशरूम में मार्बल, जिससे स्लिप वगैरह भी नहीं होता है। पूरे फ्लोर पे हमारे वेट्रीफाइड टाइल्स लगा रखी है देख सकते हो आप गाइस। आप कहोगे तो आपको हम रूम के अंदर वॉलपेपर लगा देंगे आपके पसंद का। किचन दिखाना चाहूंगा, एल टाइप का हमारा किचन रहने वाला है, काफी अच्छा साइज मिलता है देख सकते हो, अभी यहाँ पे मार्बल लगा हुआ है, क्लीनिंग का काम बाकी है। टाइल्स देख सकते हो पूरे किचन में हमारी टाइल्स लगी हुई है, जिससे कि हमारे किचन से गंदी नहीं होगी। स्विच बोर्ड नियर बाय दे रखे हैं, पावर स्विच आपके यहाँ पे है, कुछ भी आप ऑपरेट करोगे तो हो जाएगा, मिक्सी ग्राइंडर माइक्रोवेव कोई भी इक्विपमेंट्स होगा इसलिए आप यूज कर पाओगे। सिंक दिखा दीजिए, कितनी बिग साइज की सिंक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। टैप्स का प्रोविजन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, हॉट मिल जाएगा, और आपका दिल्ली जल बोर्ड का मिल जाएगा, एक बार दिखा दीजिए। यहाँ पे कनेक्शन आपके सारे लगे हुए हैं, और यहाँ पर भी आपको एक चिमनी हम आपको इस प्रॉपर्टी में लगा के देने वाले हैं। आइए दोस्तों एक बार दिखाता हूँ हमारा रूम, ये हमारा रूम रहने वाला है, बहुत ही अच्छे साइज का यहाँ पे हमने रूम आपके लिए रेडी करवा दिया देख सकते हो, काफी अच्छा साइज है, 6x6 का बेड लगने के बाद भी काफी अच्छा स्पेस बचने वाला है इस प्रॉपर्टी में। वेट्रीफाइड टाइल्स प्रॉपर लगी हुई है, जैसे कि मैंने आपको बताया, फोर सीलिंग एक बार दिखा दीजिए, फोर सीलिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, काफी अच्छे साइज है, और यहाँ पे देख सकते हो 12-13 फुट की हाइट है हमारे मकान की, ये जो कमरा है हमारा 12-13 फुट है, फोर सीलिंग भी काफी अच्छे साइज की देख सकते हो लगी हुई है, क्योंकि साइज बहुत मैटर करता है फोर सीलिंग करवाने के लिए, क्योंकि अगर हमारे मकान का
हाइट छोटा होता है तो फोर सीलिंग अच्छी नहीं लगती है गाइस। इस प्रॉपर्टी में हम एसी की इनबिल्ट वायरिंग करा के दे रहे हैं, आप देख सकते हो ये हमारी एसी की इनबिल्ट वायरिंग है। इसका आउटडोर आप अपनी टेरेस पे लगवा सकते हैं, प्रोविजन आपने दे रखा है और शाफ्ट की भी कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो हमने आपके लिए यहाँ पे एडजस्ट के लिए भी आपको यहाँ पे प्रोविजन दे रखा है गाइस। एक बार यहाँ पे स्विच बोर्ड दिखाना चाहूंगा, यहाँ से आप अपनी सारी चीजें ऑपरेट कर सकते हो, फैंस यहाँ पे आपका एसी कंट्रोल हो जाएगा, पावर स्विच आ जाएगा और यहाँ पर हमने आपके लिए पहले से वायरिंग करा रखी है, देख सकते हो आपका केबल कनेक्शन डिसकनेक्शन का आपका कनेक्शन यहाँ पे हो रखा है गाइस। आइए चलते हैं दोस्तों हम अपने फर्स्ट फ्लोर पे, एक बार फर्स्ट फ्लोर दिखाना चाहूंगा। आइए गाइस पूरे स्टेयर पे मार्बल लगा हुआ है, एक बार दिखा दो आप और इधर भी काफी अच्छा इजिली आप सामान चढ़ा सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी पे। आइए एक बार दिखा देते हैं ऊपर से। गाइस आ चुके हम अपने फर्स्ट फ्लोर पे, एक बार यहाँ का लेआउट समझाऊंगा। एंट्रेंस करते ही आपको यहाँ पे वॉशरूम मिलने वाला है, यहाँ पर स्टेयर एरिया है आपका, आपको यहाँ पे लिविंग एरिया मिलेगा और बेडरूम मिलेगा। लिविंग एरिया को अपना आइए एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ। आइए उससे पहले मैं आपको वॉशरूम दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम एसएस की आपको ग्रिल लगा के देंगे, ठीक है, और यहाँ पे टैप का प्रोविजन दे रखा है, यहाँ पे टैप लग जाएगा। वॉशरूम दिखा देता हूँ, सेम वॉशरूम रेडी करा दिया है, यहाँ पे भी इंग्लिश सीट मिलेगी आपको, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पर आपको स्विच बोर्ड मिलेगा पावर का, जिससे आप अपना गीजर लगवा सकते हैं। यहाँ पर आपको टैब्स मिलेंगे सारे, देख सकते हो आप टैब्स और एंड अंदर टैल्स है, ऊपर आपको पीओपी डिजाइन मिलने वाला है गाइस। गाइस आइए दोस्तों एक बार आपको मैं हमारा लिविंग एरिया दिखा देता हूँ। गाइस ये हमारा लिविंग एरिया है, मैं इसको रेडी करा रखा, देख सकते हो आप। फोर सीलिंग दिखा दो एक बार आप। गाइस ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बनी हुई है, 30 गज में काफी अच्छा साइज निकला हुआ है, जैसे कि आपने देख ही लिया होगा। पूरा कॉन्सेप्ट हमने सेम टू सेम नीचे ऐसा रेडी कराया, बट नीचे हमारा किचन था, ऊपर किचन नहीं है, तो आप इसको अपना लिविंग एरिया बना सकते हैं और बेडरूम भी बना सकते हो। एल टाइप का सोफा लगने के बाद भी काफी अच्छा यहाँ पे साइज देखने को मिल जाता है। साइड में अपना आप एलईडी लगा सकते हैं, यहाँ पे आपको अपना एलईडी लगा सकते हो इजिली और यहाँ पे स्विच बोर्ड मिल जाते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अपने बेडरूम की तरफ। गाइस ये हमारा बेडरूम बहुत अच्छा है, देख सकते हो आप। गाइस इस प्रॉपर्टी की फोर सीलिंग बहुत पसंद आएगी आपको, सारे किचन से लेकर आपको हर जगह डिफरेंट चीज देखने को मिलेगी। बाहर के एरिया में आपको किचन में नीचे वाले में आपको पीओपी डिजाइन देखने को मिलता है, बेडरूम में और आपके ऊपर वाले में दोनों तरफ फोर सीलिंग हो रखी है और देख सकते हो आप व्हाइट वॉश होने के बाद कितना प्यारा लग रहा है, अभी पेंट हो जाएगा और आपको इधर वॉलपेपर भी हम लगा के देने वाले हैं। एसी की इनबिल्ट वायरिंग इधर भी करके दे रहे हैं, आउटडोर ऊपर आपका टेरेस पे लगने वाला है गाइस। इधर भी प्रोविजन दे रहे हैं आपको शाफ्ट के लिए, देख सकते हैं आप अपना इधर आपको हम इधर एडजस्ट लगवा के दे देंगे। फोर सीलिंग बहुत अच्छी लग रही होगी, आप देख सकते हैं डिफरेंट है, काफी यूनिक है। बैटरी क्वालिटी टाइल्स दिखा दीजिए, प्रॉपर लगी हुई है और काफी अच्छा साइज यहाँ पे देखने को मिल जाता है। 6x6 का बेड लगने के बाद भी बहुत अच्छा स्पेस बचने वाला है। प्रोविजन यहाँ पे सारे हमने ले रखे, जैसे कि नीचे दिखाया था सब कुछ यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, नीचे स्विच बोर्ड दे रखा है। आइए चलते हैं टेरेस की तरफ। आइए गाइस यहाँ पर भी हमने मार्बल यूज कर रखा है स्टेयर पे, ये भी अच्छी बात है हमारी प्रॉपर्टी की। और यहाँ पर हम आपको एक प्रोविजन दे रहे हैं, इन्वर्टर स्पेस आपको स्पेशल दे रहे हैं, यहाँ पे स्विच बोर्ड लगा है पावर का, एक बार दिखा दो आप। और यहाँ पर एक गेट है आयरन का, सॉलिड गेट है, आइए दिखा देते हैं। गाइस हम आ चुके अपने टेरेस पे, आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्पेस यहाँ पर आपको मिलने वाला है। 15 से 20 लोगों की गैदरिंग हो जाएगी, छोटा मोटा आपको पार्टी वगैरह करना है इसलिए आप कर सकते हो। आउटडोर आपका यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है, आपके एसी के आउटडोर यहाँ लग जाएंगे। लैंटर भी बना हुआ है, मकान है हमारा, इन फ्यूचर आप चाहो तो इसको 4 मंजिल तक बना सकते हो, रेंट पे दे सकते हो। इन्वेस्टमेंट पर्पज से बहुत अच्छी लोकेशन में प्रॉपर्टी है। आपको यहाँ पे वाटर टैंक मिल रहा है 550 लीटर का। एक बार मैं आपको हमारा आइए इधर का एरिया दिखाता हूँ, वॉशिंग एरिया दिखाना चाहूंगा। गेट बहुत सॉलिड क्वालिटी का आयरन का। गाइस ये हमारा वॉशिंग एरिया है, काफी अच्छा साइज मिल सकता है, आप देख सकते हो काफी अच्छा साइज मिल रहा है आपको यहाँ पे। आपका टैप जो लगवा देंगे, वॉशिंग एरिया आपका प्रॉपर लगा होगा। यहाँ पर एसएस की ग्रिल लगा के देने वाले हम आपको। आइए दोस्तों इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। तो गाइस कैसे लगी 30 गज की इंडिपेंडेंट हाउस की प्रॉपर्टी, आशा करता हूँ आपको काफी पसंद आएगी। अगर आपको ये प्रॉपर्टी पसंद आई है तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करिए, उसकी विजिट करिए गाइस।
ऐसे लिमिटेड प्रॉपर्टीज हमारी साइट पे आती रहती है। ऋषि प्रॉपर्टीज आपके लिए ऐसे बजट फ्रेंडली प्रॉपर्टी लेके आती रहती है। मात्र ये आपको मिलने वाला है 32 लाख रुपए में प्रॉपर्टी मिल जाएगी। रजिस्ट्री वाली प्रॉपर्टी है, बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी लेके आ गया हूँ आपके लिए। जिनका बजट कम था उनके लिए बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है और आपको ये प्रॉपर्टी पे 85% तक का लोन मिल जाएगा। और गाइस सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे सारी सुविधाओं मिलने वाली है आपको। सुविधाओं की बात दोबारा कर लेता हूँ आपको। यहाँ पे दिल्ली जलपुर का मीठा पानी, आईजल गैस पाइपलाइन, 24 घंटे आपको यहाँ पे बिजली मिलने वाली है, ठीक है। आपको यहाँ पे नियर बाय स्कूल्स मिलने वाले हैं, हॉस्पिटल मिलने वाले हैं, जिम्स, और नियर बाय आपको सारी फैसिलिटीज मिलने वाली है। रिक्शा की बात कर लेता हूँ, 24 घंटे तो नहीं लेकिन आपको सुबह 6 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक सर्विस मिलने वाली है। गाइस सबसे अच्छी चीज़ ये है, गाइस यहाँ पर कोई भी इशू नहीं आएगा। आप मोहन गार्डन सर्च करेंगे, सबसे प्राइम लोकेशन मोहन गार्डन की है और सबसे प्राइम लोकेशन के ब्लॉक आता है और आर ब्लॉक आता है। गाइस तो प्राइम लोकेशन आपको ये मिल रही है। फटाफट स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करिए और इसकी विजिट करिए और अपने घर प्रवेश की तैयारी करिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं ऐसी अच्छी वीडियो के साथ।